उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर देव पूजाओं से लेकर मेले त्योहार में देव शक्तियों का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। यूं तो उत्तरकाशी जनपद गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक अपनी एक विलक्षण और समृद्ध विरासत सहित संस्कृति और परंपरा के लिए विश्व विख्यात है। तो वहीं आज हम आपको उत्तरकाशी के उपला टकनौर और टकनौर के पौराणिक सैलुकू मेले के बारे में बताते हैं, जिसका समापन शनिवार को माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास और भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतिम गांव मुखबा में हिमालय क्षेत्र के राजा कहे जाने वाले समेश्वर देवता के आसन के साथ हुआ। समेश्वर देवता के पशुआ या आसन नुकली डांगरियों छोटी कुलाड़ियों के ऊपर चलकर लगाते हैं और साथ में श्रद्धालुओं और अपने ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। यह सैलुकू मेला ध्यानियों ससुराल गई बहनों का कहा जाता है। इस मेले के लिए सभी ससुराल गई बहनें अपने मायके उपला टकनौर के मुखबा सहित अन्य गांव पहुंचते हैं और अपनी भेंट समेश्वर देवता को देते हैं। इस दो दिवसीय सैलुकू मेले में जहां पहली रात ग्रामीण रासो तांदी नृत्य के साथ भेलो घुमाते हैं, तो अगले दिन ही दिन में देव डोली को कंधे पर नचाने के साथ रासो तांदी का आयोजन भी करते हैं। देखिए उत्तरकाशी से वीरेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट। जो हमारा ये सैलुकू मेला है, एक ऐतिहासिक मेला है और ये इसकी उपलब्धि भी यहीं से है। शुरू पहले मुखवाई गांव से शुरू हुआ है, इसके बाद तमाम अनेक स्थानों पर यह मेला मनाया जा रहा है और ये कि खुशहाली का है, क्योंकि इस टाइम हमारे जितने भी जो फसलें होती हैं और जो भी हमारा जो व्यवसाय है उसके समाप्त होने के बाद हम एक खुशी के तौर पर इस मेले को मनाते हैं। और जो हमारा समेश्वर देवता है और इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है और इसको जो है तमाम जगह जो है ये मेला मनाया जा रहा है। समेश्वर के बारे में संक्षिप्त अगर इतिहास कहें तो क्या होगा? ये समेश्वर देवता का जो उपलब्धि बताते हैं कि जो इनका जो जन्म स्थान है ये कुल्लू मनाली से लेकर अपने मोरी जो भी हिमालय क्षेत्र जितने भी हिमालय क्षेत्र में जो हिमालय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर समेश्वर देवता की मान्यता है और समेश्वर देवता को जो है सब लोग जो है बड़े भावपूर्ण ढंग से जो है इसको एक इष्ट देवता के नाम से और ग्राम देवता के नाम से ये हमारी रक्षा भी करता है और हमारी मनोकामना भी पूर्ण करता है, ये मान्यता परंपरा से चली आ रही है। इस मेले को ध्यानियों का मेला भी कहा जाता है, तो क्या विशेष रहता है घरों पे ध्यानियों के स्वागत के लिए क्या रहता है? हाँ, जो हमारी ध्यानियाँ होती है, जो हमारी बहनें कहीं दूसरी जगह ससुराल जा रही है, वो आज के दिन साल भर में यह मेला मनाया जाता है और आज के दिन हमारी तमाम ध्यानियाँ जहाँ भी वो ससुराल गई है वो आज अपने मायके में आते हैं और अपने समेश्वर इस देवता को जो अपनी इच्छा स्वरूप जो भी भेंट स्वरूप देना चाहती है वो आज के दिन देती है और उनकी मनोकामनाएं या उन पर कोई भी सुख दुख की जो भी उन पर होता है उसको हमारे समेश्वर देवता उसको परिपूर्ण करते हैं, यह मान्यता परंपरा से चली आ रही है। आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।